अगर ऐसी सोच रखते हैं तो हो जाए सावधान। सकारात्मक सोच कैसे रखें? भूल कर भी मन में ना लाए ऐसे विचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जीवन से संबंधित एक ऐसे विचार के बारे में बताएंगे जो हम सभी के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है तो हम अपने मन में नकारात्मक विचार लाने लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम ओवरथिंक करने लगते हैं, जिसे देख हमारे घर वाले, हमारे दोस्त हमें कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, लेकिन हम अपनी सोच पॉजिटिव कैसे करें? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखने के लिए सबसे पहले स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा। हम कई बार यह प्रण लेते हैं कि हम अब कुछ भी नकारात्मक नहीं सोचेंगे, लेकिन कुछ समय बाद हम अपना प्रण भूल जाते हैं और हम अपने आसपास फैली नकारात्मकता पर ध्यान देने लगते हैं और हमारा नियंत्रण अपने आप से हट जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और अपने अंदर एकाग्रता के लिए ध्यान एक बेहतर माध्यम है, क्योंकि एकाग्रता से मन शांत रहता है, जिसके कारण हमारे अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। ध्यान के समय दिमाग किसी विशेष विचार की ओर केंद्रित रहता है, तो उससे ऊर्जा बिखरती है। यह ऊर्जा इंसान के अंदर मजबूती लाती है, जिससे वह आम जीवन में कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम होता है। इसलिए दिन में कम से कम 10 मिनट तक ध्यान लगाने की कोशिश करें। शुरुआत में यह प्रक्रिया मुश्किल लगेगी, पर अभ्यास से यह काफी आसान हो जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर किसी भी विषय को लेकर अपनी एक अलग विचारधारा होती है। इसमें से कुछ व्यक्ति सकारात्मक विचार वाले होंगे और कुछ नकारात्मक विचार वाले। हमें हमेशा सकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलना चाहिए, जिससे हमारी सोच और उद्देश्य सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने में सहायता मिले। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग आपकी जिंदगी से सकारात्मकता को निकाल देते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सकारात्मक सुझाव देते हो। इसके साथ ही अपने लक्ष्य का चयन अपनी रुचि के अनुसार ही करना चाहिए और किसी भी विषम परिस्थिति में अपने निर्धारित लक्ष्य पर स्थिर रहना चाहिए, वह कितना भी मुश्किल क्यों ना दिखे। अगर आप खुले दिमाग और सकारात्मक सोच रखते हैं, कठिन परिश्रम से प्राप्त लक्ष्य से आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, जिससे आपके अंदर सकारात्मक सोचने की शक्ति में वृद्धि होगी। हमारे आसपास के वातावरण के अनुसार ही हमारी सोच विकसित होती है, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स पढ़ना चाहिए, जिससे हमें उन विचारों से प्रेरणा मिलेगी और हमारी सोच पॉजिटिव बनी रहेगी। अगर हम किसी कार्य को करने से पहले पॉजिटिव थॉट्स पढ़ते हैं तो हमें उस कार्य के लिए आत्मविश्वास मिलेगा और हमारा वह कार्य सफलतापूर्वक पूरा होगा। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव थॉट्स का अध्ययन करना आवश्यक है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से फायदा मिलेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।